उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था विधानसभा में कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है प्रदेश में। मैं बहुत पहले से था, जब भी इनकी विधानसभा में जाऊंगा तो इनकी विधानसभा के लोगों से पूछूंगा कि क्या आपके क्षेत्र में भी ऑक्सीजन कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। कोरोना को हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी ने बिल्कुल 6 महीने के अंदर कंट्रोल किया है, सबसे बड़ी उपलब्धि। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम हीरा पहुंच गई है सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर में हम हैं इस समय बांसी इलाके में, बांसी विधानसभा में, जो कि जानी जाती है यहाँ के 7 बार के विधायक और फिलहाल यहाँ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के लिए। जय प्रताप सिंह यहाँ से लगातार नहीं, एक बार हारे हैं मगर 7 बार विधायक हैं। 2007 के चुनाव हारे थे, 2007 के चुनाव हारे थे, बाकी चुनाव लगातार जीते हैं, पर निर्दलीय जीते 89-91, उसके बाद फिर बीजेपी में शामिल हो गए, लगातार बीजेपी से जीतते रहे और फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं। और उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था विधानसभा में कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है प्रदेश में। तो भाई बांसी आया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में, भाई साहब सच बताऊं आप लोगों से, वही बयान चल रहा था। तो मैंने कहा बांसी, मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, जब भी इनकी विधानसभा में जाऊंगा तो इनकी विधानसभा के लोगों से पूछूंगा कि क्या आपके क्षेत्र में भी ऑक्सीजन कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। क्या नाम भाई साहब का? जी हरिन सिंह। जी शिक्षक। शिक्षक जी। तो वही जो मेरा सवाल है, सबसे पहले राजनीति बतियाएंगे और मुद्दों में बात करेंगे, मगर मेरा पहला सवाल है कि आप लोग का अनुभव कैसा रहा कोविड के टाइम? क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई यहाँ पर? कोरोना पॉजिटिव हम नहीं हुए थे, चुनाव पंचायत चुनाव के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए 1 महीने, तो फिलहाल इलाज अच्छा चला, कोई दिक्कत तो नहीं था। जी जी, कमी वाली बात थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहा है, स्वस्थ हम हैं, काफ़ी दिक्कत हुई लेकिन स्वस्थ हैं, अभी ठीक ठाक हैं, फिर से चुनाव ड्यूटी में जाएंगे। आप शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं? जी जी। अच्छा, फिर तो आपकी अपनी मजबूरियाँ भी हैं। नहीं नहीं, मतलब मेरा अशासकीय विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, तो हम लोगों के लिए दिक्कत है, हम लोग राजनीति भी कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं हम लोग। क्या ऑक्सीजन की कमी से मौतें, एक भी मौत नहीं हुई यहाँ पर? ऑक्सीजन से ऐसा नहीं है कि मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन कोई आपदा अगर आ रही है तो स्वाभाविक ये है कि सारा जब विश्व परेशान था तो एक आदमी एक पार्टी को हमको जिम्मेदार नहीं मान सकते। और मोदी जी की सरकार, योगी जी सरकार, हमारे मंत्री जी के समय में जितनी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में अब हुई है इसके पहले कभी नहीं हुई थी। कहीं कहीं मानते हैं ऑक्सीजन, विपक्ष के लोग भी इस तरह से फैला रहे हैं कि ऑक्सीजन से मरे हैं, कोई आपदा आ जाएगा भैया, बाढ़ आ जाएगा, कोई बचा के आएगा कि हमको मरना है किसको मरना है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपदा है। आपदा आएगी तो लोग परेशान भी होंगे, अफरा तफरी भी होगी, व्यवस्थाएं भी रहेंगी, पर सिरे से नकार देना, हम लोगों ने वो मंजर देखा प्रदेश में, ये ऑक्सीजन कमी और सिलेंडर लिए लोग परेशान घूम रहे हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, फिर विधानसभा में आकर ये कहना सिलेंडर नहीं मिलने का बहुत बड़ा कारण था, लोगों ने एक स्टॉक बना के रखा। हरि गोविंद साहू व्यवसायी हैं और समाज सेवी भी हैं जी, पार्टी जुड़े भी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बताइए क्या कहना? देखिए, जो आपने ऑक्सीजन की कमी को कहा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी यहाँ सिद्धार्थनगर में, और अगर जो थोड़ी बहुत लोगों ने कमी बता रहे थे, लोगों ने एक स्टॉक बना रखा था, एक भय के कारण बना रखा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, अस्पतालों में व्यवस्था थी, यहाँ भी व्यवस्था थी, हमारे ज़िले पर भी व्यवस्था थी, इस तरह की कोई कमी नहीं थी ऑक्सीजन की, कोई कमी नहीं। लेकिन एक वो महामारी थी, तो देखिए कोई 100% तो आपको पूरा व्यवस्था देने पर 1-2% तो कमियां रहेंगी, जैसे मान लीजिए अभी कहीं से कुछ आना, डिलीवरी आना है, तो उसमें भी तो 1-2 घंटे लग जाएंगे भाई, चूंकि यहाँ तो ऑक्सीजन बनता नहीं था, मान लीजिए उसको गोरखपुर से आना हो, बस्ती से आना हो, लखनऊ से आना हो, तो 1-2 घंटे तो लगेंगे, तो ये तो इतना तो समय तो चाहिए चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी आपदा आ जाएगी तो उसके लिए भी तो समझने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आपको 1-2 घंटे 24 घंटे चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, इतना तो हम प्रिपेयर है नहीं या जान तो नहीं रहे कि अभी आगे जाके क्या हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कुछ। ऑक्सीजन की कमी से बासी वाले परेशान नहीं थे, खूब ऑक्सीजन था सब जगह, सब जगह खूब ऑक्सीजन था, व्यवस्थाएं की गई थी। उसी ऑक्सीजन जो आप बता रहे कि ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन के कई प्लांट, मैं तो बाहर से भाई साहब, मैंने अपने जिले में देखी थी, दिक्कत थी, कहीं कहीं मानते हैं सर हमारे वहाँ ऑक्सीजन, नाम बताते हैं हजारी लाल गहरी बांसी, ऑक्सीजन हमारे वहाँ था कितना, पूर्व सरकारों के वहाँ जो पूर्व सरकारें थी ऑक्सीजन कोई प्लांट तो नहीं डाल के रखती, एक प्लांट मेरे वहाँ था,
तो अचानक अगर पूरे देश कब लगा था भाई साहब? ये तो पूर्व सरकार है, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, मतलब तो अब एक साथ 1 अरब आबादी को अगर कोई महामारी फैल जाए तो इतना जल्दी ऑक्सीजन को कंट्रोल करना, वो भी मोदी सरकार में जितना जल्दी कंट्रोल किया गया है पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है, और इसकी तारीफ पूरा वर्ल्ड ने किया है। इस बात का गवाह पूरा हिंदुस्तान है कि मोदी जी ने जिस तरह से ऑक्सीजन की आपात आयात किया और पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया, इसलिए पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है, पूरा वर्ग जानता है। और अगर उस पर कोई प्रश्न उठाए तो कोई सरकार उसकी जो है काट नहीं कर पाएगी, जिसका आप भी जानते हैं और सारा समाज जान रहा है कि ऑक्सीजन मेरे वहाँ कितना था। आज ऑक्सीजन इतने प्लांट लग गए हैं कि अब ऑक्सीजन 1 अरब क्या कहें, 1.5 अरब की आबादी कोई महामारी फैले आज की तारीख में तो ऑक्सीजन कमी नहीं होगी। यहाँ जिले में कितने प्लांट लग गए? जिले में 1 प्लांट का प्रपोजल है, लग गया, हमारा लग गया। पास हो गया है बसंतपुर में, बासी विधानसभा में आता है, सबसे बड़ा प्लांट है जो पूरे जिले के नहीं, आसपास के उसमें भी सप्लाई दी जाएगी। और पूरे कोरोना काल में देखिए, पूरा कोरोना काल में यहाँ पे हर घर पे एक व्यवस्था, किसी भी मरीज तक एम्बुलेंस की सुविधा थी, मेडिकल टीम पहुँच जाती थी, ये सबसे बड़ी व्यवस्था हम लोगों को दी गई। और स्वास्थ्य महकमे में सबसे बड़ा यहाँ हम लोगों को स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो उपहार दिया है, ये पूरे प्रदेश में पहला ऐसा तहसील का अस्पताल है जो 50 बेड का पास हुआ है। इतना अभी तक पूरे प्रदेश में ये इतना बड़ा अस्पताल PHC स्तर का किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए जो कि यहाँ के स्वास्थ्य के मामले में सबसे पिछड़ा ये इलाका था यहाँ। तो आप कह रहे हैं पिछले 5 साल में मंत्री जी ने एक 50 बेड का अस्पताल पास किया है बासी के लिए? 50 बेड का अस्पताल ये पास हुआ है स्वास्थ्य बासी तहसील डुमरियागंज में, आपके डुमरियागंज में पूरे जिले के औषध केंद्र का डिपो बनाया गया है डुमरियागंज बेवा हॉस्पिटल पे। और यहीं से 13 किलोमीटर महुलानी है, वहाँ भी एक CSC हमारा बना है। क्या वीडियो मिलेगा आपको? पूरा वीडियो मिलेगा, परेशान मत होइए। जिस हिंदुस्तान में एक किट नहीं था, एक किट के लिए हम आयात करते थे, आज मेडिकल किट और कोरोना जब आएगा तब किट आएगी ना, उसके पहले क्यों होगा कोरोना किट? लेकिन आज मेरे, अच्छा आप सच बताइए, अच्छा आप बात सुनिए, आप कह रहे हैं इससे पहले किट नहीं था, तो इससे पहले कोरोना में तो नहीं था भाई साहब? अन्य बीमारियां तो थी, ऐसे तमाम एड्स बीमारियां। आपको कहने का मतलब है कि इससे पहले किसी भी बीमारी से जुड़ा संबंधी रोगाणु संबंधी ऐसे मतलब तमाम महामारी आती थी, तमाम बीमारियां आई हैं, लेकिन रोग को उन्मूलन के लिए चेचक आया, पोलियो आया, लेकिन कोरोना को हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी ने बिल्कुल 6 महीने के अंदर कंट्रोल किया। सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की, 1 अरब की आबादी। जैसे जैसे सेकेंड वेव में तमाम लोगों ने कहा कि जो नजारे आ रहे थे गंगा किनारे के, लाशें बह रही थी, लाशें के ढेर लगे हुए थे, तो यहाँ मतलब स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग बढ़िया थे, कोई ऑक्सीजन कमी नहीं थी, थोड़ी होगी ये सब अफवाह फैलाते हैं ज्यादातर लोग। ज्यादातर रमेश कुमार वर्मा नाम है मेरा, अफवाह नहीं फैलाते हैं, दिखा देते हैं मोबाइल पे, फेंक देते हैं, देखिए घूम रहे हैं इधर, घूम रही उधर। और लोग जो विरोध करते हैं अलग अलग अन्य पार्टी की, महंगाई हो रही है, महंगाई क्या हो रही है, जो 600 का सिलेंडर मिलती थी रात में लाइन हम लोग लगाते थे जहाँ पर, अब बोलते थे अरे भैया 240 और महंगा मिल जाए, रखती है तो लाइन नहीं लगाई पड़ी, अभी भी ब्लैक में लिया। और जो लेबर जो घर बनाते हैं मिस्त्री लेबर, जो 400 उनके रेट थी आज 700 मिल रही है, तो महंगाई क्या, वो भी तो महंगा हो रही पैसा, तो महंगा क्या हुआ? अच्छा महंगाई भी नहीं, कुछ नहीं महंगाई, सुविधा नहीं मिल रही, बिजली फसकर मिल रही है, क्या चाहते हैं एक हफ्ता रात एक दिन फिर से मिले है? अरे जब बिजली आपको अच्छी मिलेगी, अरे भाई जब आपको सर बिजली अच्छी मिलेगी तो आपको ज्यादा बिल तो देना ही पड़ेगा। खंभा गिर जाता रहा तो एक हफ्ता वेट करना पड़ता था, अभी जब खंभा गिर जाता था कहीं ट्रांसफार्मर गाँव में चला जाता था तो एक एक हफ्ते तक गाँव में लाइट नहीं आती थी, अभी गाँव में भाई साहब सब लोग मत बोलिए जी, नहीं रहेगा, तेल जो है जहाँ 60 रुपया था वो 200 रुपया लीटर हो गया, जहाँ जो है पेट्रोल 60 रुपया मिलता था 100 रुपया डीजल 100 रुपया मिल रहा है,
बताइए, वो महंगाई नहीं है। 60 रुपया भाई सब कम मिल रहा था। हम जवाब दे रहे हैं, मैं तो नहीं जान रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ कि 2000 चले। पहले बात तो मेरी सबसे अपील है, आप लोग भाई साहब ज्यादा लोग हो गए हैं, है ना, रुकिए रुकिए, अरे रुक जाइए, हाँ हाँ ठीक है, रुकिए रुकिए, आराम से बात करिए, एक एक करके पहले सुन तो लीजिए उनकी। हर पब्लिक जानती है महंगाई से लोग कितने परेशान हैं, कितने परेशान है, कितना रोजगार सबका बंद हो गया है, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई है, इसका कोई जवाब दे, कितनी फैक्ट्रियां बंद। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? नहीं, सर मेरा मतलब है आपका कथन जो है वो यह है कि तेल के दाम बढ़ गए, लेकिन पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि तेल की कीमत मोदी जी नहीं तय करते, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तय करती है। अगर आप लोगों नारे लगाने चला जाऊं मैं, भाई साहब आप लोग बढ़िया नारा लगाइए, हम चले जा रहे हैं, 5 मिनट बात शुरू नहीं हुई है। देखिए पूरा पूरा देश देखेगा, रुकिए तो, पूरा देश देखेगा कि बासी के लोग कैसे रुक जाएंगे, है ना, और पूरा देश ये भी देखेगा कि बासी की भाजपा कार्यकर्ता कैसे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमत तय होती है, इनकी एक संस्था है, उस संस्था का नाम मतलब बता रहे हैं कि ओपेक, ओपेक रेट निर्धारित करता है, मोदी जी कोई राष्ट्रीय। भाई साहब आजकल लोग ये बोल रहे हैं कि आजकल जो प्रति बैरल का रेट है वो बढ़ा हुआ है, हाँ जी, तो रेट क्यों नहीं बढ़ा पेट्रोल डीजल की? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये ओपेक लोग कह रहे हैं चुनाव, आप ये चुनावी स्टेंट है, इसका रेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, ओपेक तय करेगी, कोई राष्ट्र नहीं तय करता। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, रुकिए तो, अब रुकिए तो 2 सेकंड, लोग ये कह रहे हैं कि अभी इधर महीने 2 महीने से रेट नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल बाजार में लगातार क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये जो महंगाई, जो तेल की महंगाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन आप देख लीजिए जहाँ भी भाजपा के शासित प्रदेश हैं वहाँ के पेट्रोल के दाम देख लीजिए, और जहाँ केंद्र कांग्रेस या अन्य पार्टियों की सरकार है वहाँ के लिए, हमारे नेपाल देख लीजिए, आप नेपाल, आप यहाँ 70 रुपया है और यहाँ क्यों महंगा है? अरे 3 लोग एक साथ में बोलिए ना, रुक जाइए, रुकिए रुकिए, जैसे नहीं भाई साहब रुक जाइए, जो लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि पिछले 1-2 महीने से जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से नहीं बढ़ रहे, जबकि इंटरनेशनल बाजार में लगातार क्रूड ऑयल कच्चे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या ये चुनाव की वजह से रुका हुआ? चुनाव बाद नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल चुनाव की वजह से नहीं, मैंने आपसे पहले भी बताया हूँ, जो राज्य सरकारें हैं इससे पहले बढ़ रहे थे लगातार, जो राज्य सरकार अगर कुछ बढ़े थे, बढ़े थे तो घटे भी हैं। एक चीज और, आपने कहा कि सारी फैक्ट्रियां बंद है, मुल्ला जी ने कहा, मैं चाहता कह रहा हूँ भैया, पिपराई चीनी मिल का उन खोला भाजपा की सरकार ने, खोला फर्टिलाइजर भाजपा की सरकार ने, मुंडेरवा चीनी मिल भाजपा की सरकार ने, एक भी पार्टी बताइए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में सारे मिले बंद हो गई थी, भाजपा की सरकार में सारे मिले चालू हुए, ये भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक रोजगार भी तो रहे हैं बीजेपी के सरकार में, मेरा नाम सलमान है, बीजेपी में सब बेच दिया, कुछ बचा भी नहीं है, सलमान मेरा तो व्यवसाय है, नहीं 2.5 लाख मिला ही नहीं है, नहीं मिला ही नहीं, सब लोग रुकिए, आवाज में मिल रहा है, जनधन में क्या नहीं मिल रहा, सारे देखिए आप सब लोग बोल रहे हैं, हमारी बात सुनिए, देखिए हमारी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक मिनट भैया, भाई साहब एक कैमरा है इसके आगे नहीं खड़ा हो रहा है, पूरी बात देखिए भैया, एक मिनट भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जात और पात धर्म देख के किसी को लाभ नहीं दिया, चाहे अरे भाई पूरी बात तो आप सुनने दीजिए, अगर उसने राम को भी दिया है तो रहीम को भी दिया है, और आज ये बता दे इनको आवास नहीं मिला, कि उज्जला नहीं मिला, गैस सिलेंडर नहीं मिला, जन धन नहीं मिला, 1000 क्या नहीं, आप 1000 रुपया, अरे आज 1000 रुपया है, सिलेंडर की मैं बात कर दूं, मैं सिलेंडर की भी बात कर रहा हूं, भाई सुनिए आप लोग,
यही यही गैस एजेंसी भाई साहब, इतने बजे हम लोग खाना खा के हम लोग आते थे और गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगा जैसे जैसे रुक जाइए। आज स्थिति क्या है सिलेंडर की? आज सिलेंडर आपके पास चल के आ रहा है, आज सिलेंडर घर पे। भाई साहब यार, भाई साहब ऐसे चिल्ला रहे हैं यार, सिलेंडर आज घर पे चल के आ रहा है। बार के सभा साथ तीन बार से और आज साहब वो सिलेंडर है। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर आज सिलेंडर की वो स्थिति। आप लोग बात नहीं करना चाहते, मैं जा रहा हूँ, बंद जा रहा हूँ यार। आप लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, मुद्दों की बात करें ना, लोग शांत तो होंगे। भाई मुद्दों की लोग बात करें ना, तो जो कहते हैं कि हमने भाई साहब मिला, अब यार शांत होइए, बोलना है तो फिर आप अलग खड़े हो जाइए। चलिए सुनिए तो भाई साहब, सबकी बात सुनिए, सिर्फ लगातार बोलते ही रहेंगे। चलिए, आप भाजपा के नेता हैं मुझे पता है, और आप पर्याप्त मौका मिलेगा अपने नंबर बढ़ाने का, है ना, औसत आप बड़े ये करके बड़े नेता भी बन जाए, और कम से कम बात तो सुनिए भाई साहब। फिर आप जैसे कि वो कह रहे हैं कि सिलेंडर 300 का था, वो 1000 का क्यों हो गया बताइए। क्या जी? महंगाई की बात कर रहे थे भाई साहब, वो कह रहे थे सिलेंडर 300 का था, 1000 कैसे हो गया? 1000 का भाई, आप सुविधा लेंगे तो पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमने लाइट की बात है, आप लाइट को ही ले लीजिए भाई साहब, आप कहते हैं कि हम फ्री देंगे, लाइट ही नहीं देंगे भाई। हम लोग तो दिन और रात पाली दोनों ने देखा है, एक हफ्ते रात आता था, एक हफ्ते दिन आता था भाई साहब जेल हम लोग काटे हैं, और हम कहां गया? मोदी कह रहे 15 लाख सबके खाते में आएगा, 15 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर हर खातों में पहुंच गया, 15 लाख से ज्यादा। रुकिए भाई साहब, अरे महाराज, 15 लाख से ज्यादा इन लोगों, मौलाना जी पहुंच गया है। आप हर मत पूछ रहे हैं, पूछ लूंगा। जैसे कि आप कह रहे हैं 15 लाख से ज्यादा पहुंच गया, पहुंच गया, वो बता रहे हैं एक एक घर में चार चार लोगों ने आवास लिया, 2.5 लाख के हिसाब से 10 लाख हो गया, घर में चार चार लोगों ने आवास लिया 10 लाख हो गया। और बता रहे हैं उसके बाद शौचालय का इन्होंने पैसा लिया, ये शौचालय का भी पैसा लिए, जनधन लिए, मतलब बहुत जितनी भी सुविधाएं थी 15 लाख से ज्यादा गिनाई हम, ये बता तो रहे हैं सारी योजना हम। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप ये जान लीजिए, आपने कहा हर घर में चार आवास गए, किसी में पांच भी गया है, किसी में तीन भी गया है, मतलब एबव गया, ऐसा नहीं जितने परिवार थे, ये मान के चलिए कि 90% लोगों ने आवास का लाभ लिया, तो अगर आप उस रेशियो को जोड़ेंगे तो 15 लाख आपका हो जाएगा। ऐसा है ना कि राजाराम जैसे कोई सरकार आया इतना काम नहीं किया, कोई सरकार आया इतना काम नहीं किया है, जो सरकार काम आपको क्या मिला है? आपको क्या मिला? अरे हम हमको मिला 2000 रुपया 6 महीना मिलता है, 2000 मिलता है, खेती में सरकार दे रही है, ठीक है, राशन दे रही है 2 महीना पे फ्री, ठीक है, और जो है जो पहले सरकार थी यानी कुछ नहीं काम हुआ है, और जो ये 5 साल में काम किए हुए और कोई नहीं। भैया कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस 5 साल में जो काम हुआ है वही सब हुआ, इससे पहले 5 साल समाजवादी पार्टी सरकार थी, कुछ काम नहीं होता। भैया समाजवादी पार्टी, सद्दाम साहब मेरा नाम है, समाजवादी पार्टी के सरकार में समाजवादी पेंशन को सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये जवाब दिया है कि यहाँ बासी की जनता के बासी की, आप लोग भी यहाँ से रूबरू हो चुके होंगे, मरवटिया मार्ग से लेकर सकार पार मार्ग, आप रुक जाए, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने विकास को गिना रही है, भैया भारतीय जनता पार्टी अगर अपने विकास को बता रही है कि 5 साल उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बिलोहा से लेके गोस्वारी मार्ग देख लीजिए, बिलोहा से सकार पार मार्ग देख लीजिए, तमाम सड़कें जर्जर अवस्था में हो चुकी है, और अब की बार मंत्री राजा जय प्रताप सिंह को हारना तय है। पहले आप ये बताओ, इससे पहले जब 5 साल सरकार थी, विधायक भले यहाँ के जय प्रताप सिंह थे, आपकी सरकार जब थी
तो इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए जी क्या काम किए, चार पांच काम बताइए। उसके सरकार में हमारे पचमोहनी में समाजवादी पार्टी की सरकार में पचमोहनी में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराया, आईटीआई स्कूल का कराया, राजकीय विद्यालय का कराया, शिक्षा के विषय में शिक्षा के विषय सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के सरकार में तमाम शिक्षा को बढ़ावा दिया। भाई साहब नारेबाजी मत करो यार, दोस्त नारेबाजी मत करो। किसने किया भाई साहब? इन्होंने बताया हमारी सरकार ने बनाया, सभासद भी हूँ, नारेबाजी मैं सारी सांसद हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पिंडी की बात कर रहे हैं ना, आरक्षण के हिसाब से मिलता था कि एक वार्ड में 25 लोगों को समाजवादी पेंशन मिलेगा, उसमें 12 खाली एक माइनॉरिटी एक वर्ग विशेष के होते थे, 7 सामान्य होते थे, 2 एससी होते, 4 पिछड़ा होता था। आरक्षण तय के ये लोग करते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात। सपा बसपा क्या करी है, मेरी जमीन कब्जा की है सपा वाले, मेरी जमीन सुनो, सपा वाले मेरी जमीन कब्जा की है, सपा वाले सपा बसपा अब इस वीडियो को बंद करते हैं।